नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पंचायत में लिया गया डाइवोर्स या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा लिया गया डाइवोर्स कानून की नजरों में वैलिड नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रथा या किसी कस्टम के तहत पति पत्नी के द्वारा पंचायती डाइवोर्स लिया जाता है तो क्या वो पंचायती डाइवोर्स वैलिड होगा? और यदि कस्टम के आधार पर लिए गए पंचायती डाइवोर्स से पत्नी मुकर जाती है तो क्या ऐसे में पति उस पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन डालकर पत्नी से लीगली डाइवोर्स ले सकता है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, जो कि पंचायती डाइवोर्स और लीगल डाइवोर्स के पॉइंट को क्लियर करेगी। साथ ही हमें ये भी क्लियर होगा कि क्या पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर कोर्ट के द्वारा लीगल डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में डाइवोर्स लेना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में यदि पत्नी अट जाए तो पति के लिए डाइवोर्स लेना, तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाता है। पत्नी पति को परेशान करने के लिए पति पर तरह तरह के केसेस फाइल कर देती है। पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए पति पर 125 CRPC का केस फाइल कर देती है। उस पर झूठे घरेलू हिंसा के आरोप लगाकर DV एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर देती है। साथ ही दहेज के आरोप लगाकर के 498 का केस फाइल कर देती है। पत्नी पति को परेशान करने के लिए हर तरह के दावपेच खेलती है और पत्नी के द्वारा कानूनों का दुरुपयोग किए जाने के कारण पति परेशान होता रहता है, हरास होता रहता है। आखिरी में थक हार कर पति ये मन बनाता है कि अब पत्नी से तलाक लेना ही बेहतर है। डाइवोर्स का मन बनाने के बाद पति की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि पत्नी से बात करके आपसी सहमति से पीसफुली और एमिकेबली डाइवोर्स लिया जाए। ऐसे में पति पत्नी से भी बात करता है, पत्नी के माता पिता से भी बात करता है, लेकिन पत्नी यहाँ भी पति के साथ धोखा करती है। पत्नी और उसके माता पिता केवल दिखावा करने के लिए आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पति को आखिरी तक धोखे में रखते हैं। दोस्तों, ऐसे में कई बारी तो पति पत्नी पंचायती तलाक भी ले लेते हैं। पत्नी पंचायती तलाक के बेसिस पर पति से अच्छी खासी रकम भी ऐंठ लेती है। उसके बाद पत्नी अपने रंग दिखाती है और पंचायती तलाक को मानने से मना कर देती है। ऐसे में पति क्या करे? क्या पति उस पंचायती तलाक के बेसिस पर पत्नी के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करके कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री ले सकता है? दोस्तों, ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो आइए जानते हैं क्या था उस केस के फैक्ट्स और क्या सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के मुकर जाने के बाद पति को पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर लीगल डाइवोर्स ग्रांट किया या नहीं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है, लेकिन मैरिज के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, दोनों में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और फिर शुरू होती है मैट्रिमोनियल लिटिगेशन। पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 CRPC का केस फाइल कर देती है। कोर्ट पत्नी की एप्लीकेशन अलाउ करके पति के खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर देती है। पति को और परेशान करने के लिए पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर 498 का केस भी फाइल कर देती है। उधर मेंटेनेंस ऑर्डर को पति के द्वारा फर्दर चैलेंज किया जाता है, लेकिन पति की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद पति पत्नी से तलाक लेने का मन बनाता है, डाइवोर्स लेने का मन बनाता है। पति पत्नी और उसके माता पिता से तलाक की बात करता है, क्योंकि तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति पत्नी दोनों अपनी लोकेलिटी और कम्युनिटी की प्रथा और कस्टम के हिसाब से पंचायत के थ्रू डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। पंचायत होल्ड की जाती है और पंचायत में पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं और पंचायत में पति अपनी पत्नी को वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर 30,000 रुपए भी देता है, जिसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाता है, जिस पर पति पत्नी दोनों अपने अपने सिग्नेचर करते हैं। इस तरह से दोनों का पंचायती तलाक हो जाता है। पति पढ़ा लिखा था, आर्मी में सर्विस करता था, इसलिए उसे अंदेशा था कि पंचायती डाइवोर्स को कानून के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। पति चाहता था कि पति पत्नी दोनों मिलकर के सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करें, ताकि उन्हें कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स की डिग्री मिल जाए। पति ने जब पत्नी को पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करने को कहा तो पत्नी ने साफ मना कर दिया, यानी कि पत्नी ने पति को धोखे में रखा
और पति से पंचायती डाइवोर्स के बहाने 30,000 रुपए भी ऐंठ लिए। दोस्तों क्योंकि पति के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए पति ने पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर पत्नी के खिलाफ कोर्ट में क्रुएल्टी और डेजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस फाइल किया। दूसरी तरफ पत्नी ने सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दिया। यानी कि पत्नी अभी भी पति को और हरेस करना चाहती थी और ह्यूमिलिएट करना चाहती थी। दोस्तों फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर लीगल डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है और पत्नी की सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है। इसके बाद पत्नी के द्वारा दोनों ऑर्डर्स की यानी कि डाइवोर्स के ऑर्डर की और सेक्शन 9 के ऑर्डर की हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की दोनों अपील को अलाउ कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट कर दिया जाता है। यानी कि सेक्शन 9 का केस पत्नी की फेवर में कर दिया जाता है और पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर पति को जो डाइवोर्स दिया गया था उसे भी हाई कोर्ट के द्वारा सेट कर दिया जाता है। इसके बाद पति हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का यही कहना था कि उन दोनों का आपसी सहमति से कस्टम और प्रथा के अनुसार पंचायती डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अब पत्नी मुकर चुकी है और सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं है। ऐसे में उसे पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर सेक्शन 13 के अंडर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पति को किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति का पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर लीगल डाइवोर्स के लिए आना ये दर्शाता है कि पति पत्नी को पता था कि पंचायती डाइवोर्स किसी भी तरह से लीगली वैलिड डाइवोर्स नहीं है, और यदि पति के लोकेलिटी या कम्युनिटी में पंचायती डाइवोर्स की कोई प्रथा या कस्टम होता तो पति कभी भी लीगल डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में नहीं आता। दोस्तों इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के द्वारा लिए गए पंचायती डाइवोर्स को कोई भी वैल्यू नहीं दी, कोई भी महत्व नहीं दिया, और ना ही पति को पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर लीगल डाइवोर्स ग्रांट किया। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को डिसमिस कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा। तो दोस्तों इस केस से, इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि पति पत्नी पंचायती डाइवोर्स लेते हैं और बाद में पत्नी उस पंचायती डाइवोर्स से मुकर जाती है तो पति को उस पंचायती डाइवोर्स का कोई भी फायदा नहीं होगा और पति उस पंचायती डाइवोर्स के बेसिस पर कोर्ट के द्वारा पत्नी से डाइवोर्स नहीं ले पाएगा। दोस्तों यदि आपने भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना है और पत्नी भी डाइवोर्स देने के लिए तैयार है तो आपने ऐसे में कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, आपने बिल्कुल सेफ तरीका अपनाना है जो कि है कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स, फिर वो चाहे कंटेस्टेड डाइवोर्स हो या म्यूचुअल डाइवोर्स हो। आपने गलती से भी पंचायती डाइवोर्स या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर डाइवोर्स नहीं लेना क्योंकि उसकी लीगली कोई भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? यदि पत्नी डाइवोर्स से मुकर जाती है, चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स हो, पंचायती डाइवोर्स हो या आउट ऑफ द कोर्ट डाइवोर्स हो, तो क्या ऐसे में पत्नी का मुकरना क्रुएल्टी माना जाना चाहिए, और क्या ऐसे में इस क्रुएल्टी के बेसिस पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए? आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।